After getting thrown out of the house of Bigg Boss Season 10, now the self-proclaimed Godman and the ex-contestant of the controversial reality TV show, Swami Omji Maharaj, claimed to slap superstar and host of show Salman Khan. In a recently held press conference in New Delhi, Swami Omji Maharaj said, Bigg Boss ke itihas mein pahli baar Salman Khan mere se milne ke liye Bigg Boss ke ghar ke andar aaye the. Kabhi nahi aate hain wo. Wahan se bahut door ek alag se stage rehta hai. जहां से स्क्रीन के जरिए वो हमसे बात करते हैं और जिस वक्त वो अंदर घर के अंदर आए थे उन्होंने मुझे किंग ऑफ फुटेज का अवार्ड दिया. अवार्ड देने के बाद चूंकि वो चेन स्मोकर हैं उनको सिगरेट की तलब लगी. उन्होंने बाहर से लंबा सा सिगरेट लिया और उसको वहीं पर वो जलाने लग गए. तो मैंने उनको कहा कि आपको यहाँ पर हम नहीं पीने देंगे भले आप किसी के सुपरस्टार हो. मुझे इससे कोई मतलब नहीं है. जो नियम है घर का उस नियम का पालन करना पड़ेगा. सामने ये स्मोकिंग रूम बना हुआ है आप वहां जाकर के पीजिए. वैसे भी मुझे स्मोकिंग से नफरत है क्योंकि मैं उसके खिलाफ प्रचार करता हूं और मुझे एलर्जी है. वो वहां से गए और वहां पर स्मोकिंग शुरू करने से पहले मुझे उन्होंने आवाज़ दी. स्मोकिंग रूम में कैमरा नहीं होता. मैं वहां पर गया और मुझे मेरे जाने के बाद सलमान खान जो कि शराब के नशे में धुत थे वो व्यक्ति वहां भी नहीं रुका. उसके बाद उसने सिगरेट का कस लिया और वो जानता था कि मुझे सिगरेट का धुआं पसंद नहीं है. उसने मेरे मुंह पे वो कस थूका. मेरे गुस्से का सीमा खत्म हो चुका था. अंत में थक करके मैंने जोरदार झंडादार थप्पड़ मारा और मैंने कोशिश की तो उस आदमी को घसीट करके मैं लाऊं बाहर कैमरे के सामने. तब तक मुसलमान होते हुए भी वो आदमी मेरे पैर पकड़ लिया कि मेरी इज्जत कीजिए. जो लड़के वहां पर थे वो भाग करके आए. उन्होंने पैर पकड़ा. स्वामी जी आप प्लीज आप हमारे पिता समान आप हमको बेटा कहते हैं मेरे खातिर सलमान खान को आप छोड़ दीजिए. मैंने उस वक्त सलमान खान को छोड़ा. मैं आपको वादा करता हूँ मैं देशद्रोही का दुश्मन हूँ. इस देशद्रोही का मैं खात्मा करके रहूंगा. स्वामी ओम जी केम इन टू लाइमलाइट आफ्टर हिज स्टिंट इन बिग बॉस सीजन 10.